इस बैठक में बहुत गहन चर्चा हुई और एक दर्पण की तरह हम लोगों को दिखा दिया हम कहां खड़े थे। इस बैठक ने आईना दिखा दिया हमको भी आपको भी। तो हमें जो जो लगा कि हमको कमियां हैं, अब जैसे ये IGRS प्रणाली पोर्टल सीधे जनता की समस्याओं से जुड़े हुए विषय है, इसमें अगर हम नीचे से दूसरे नंबर पर रहेंगे और हम शिक्षा के क्षेत्र के हैं, शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई, ये सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर भी अगर प्रबुद्ध जन लापरवाह होंगे तो हम समाज से क्या अपेक्षा करेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जरा लापरवाही से कोताही बरतने से डेवलप हो रही है, तो वो ना हो। मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा अपनी, वो ना हो। हम लोग संकल्पित होना चाहिए इस बात के लिए और अच्छे सुझाव भी आए। देखिए, जब बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो अमृत निकलता है। अमृत निकाल कर उसका वितरण हो सब जगह, चिंतन, अध्ययन, मनन, फिर जो अमृत है उसका वितरण, या आपस में हम लोग करें, तो एक अपना विभाग जो नीचे से दूसरा है ऊपर से पहला नंबर होना चाहिए, ये हम अपेक्षा करेंगे आप लोगों से। इससे सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी के सामने हम अपने उत्साहवर्धन ढंग से सामने पेश हो सकते हैं और जनता के भी सामने। डाटा वाला मामला है कि काफी हम लोग पिछड़े हुए इसमें। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आदर्श प्रस्तुत किया, पूरे अपग्रेड हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। पिछले दौरान क्या हुआ उससे मतलब नहीं, लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद शिक्षा में अपग्रेडेशन हुआ है। बहुत से विश्वविद्यालय बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं ग्रेडिंग के, और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। इस सबके कुछ बनाए हैं, इसमें एक मैडम का फोटो भी रहेगा, आपको मिलेगा ये हमारी राजमंत्री जी का, तो वो साथ में जोड़ दीजिएगा। इसमें आपको ये होर्डिंग्स के प्रारूप बने हुए हैं और उसमें कुछ संशोधनों के साथ आपके पास ये पहुंचे जाएंगे। इसमें भी रोड सेफ्टी के लिए नोडल अधिकारी कौन है, ट्रांसपोर्ट के विजय सचिव आप ही हैं ना? मैं हो जाता हूँ। ये आप, मैं भी आपको दूंगा। और इसमें 16 तारीख को माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक भी है, जिसमें बाकी बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के भी अधिकारीगण और माननीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। और विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं, वो भी अपने अपने परिसर में और गेट पे ऐसे होर्डिंग लगवाएं, ये स्टूडेंट्स के लिए जागरूकता के लिए है। तो बहुत जल्दी बड़े व्यापक ढंग से हम लोग वो एजेंसी है जो बड़े व्यापक रूप से और बड़ी शीघ्रता से कर सकते हैं। तो ये संशोधित आपके पास पहुंच जाएगा, हमारे प्रमुख सचिव साहब पहुंचाएंगे। इसमें और बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझको कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीच सामने कहा कि तो बहुत पुराना है भी, महिला शिनाख्त हो सकती है, उस विद्यालय के संचालक की शिनाख्त हो सकती है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। खैर, मैंने फिर अपने एजुकेशन ऑफिसर से FIR कराई, तो एक ये विषय निकल के आया कि अंदर तो क्या मिला गया, बाहर से बाहर भी कॉरिडोर में भी जो आंगन बरांडा कुछ भी कह सकते हैं उसको, वहां पर भी कैमरे हो जाए, शामिल कर लीजिए और आप लोग इसको देख लीजिएगा।
इसमें किसी को कुछ कहना मंत्र बनाता है उसको नीचे तक उतारने की जिम्मेदारी आप सबकी है, और वहां कहीं अगर थोड़ी सी लापरवाही या कोताही हो जाती है तो उंगली सीधे सरकार पड़ती है और वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोटाने लगते हैं लोग। हम सबका दायित्व है कि जो कार्यक्रम बन गए, नीति बन गई, योजना बन गई, उसका कार्यान्वयन नीचे तक हो जाए और ड्यू टाइम पर हो जाए। और ना कुछ जैसा भी बताया कि कोर्ट चले जाते हैं तो बड़ी असहज स्थिति में सरकार है, तो उसका ध्यान रखते हैं आप लोग थोड़ा सा। इसका जो मंशा है हमारे नेतृत्व की पूरी हो जाएगी। अगला बिंदु है सर, सुझाव देना चाहे नकल रोकने के, तो जो बताइए कोई शेयर होगा तो एक दूसरे से उसे अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। अभी आपने कहा सचिव ने कि जिला प्रशासन का सहयोग उड़नदस्ते में लिया जाए, उड़नदस्ता जब तक पहुंचता है तब तक वो अलर्ट भी हो जाते हैं, कोई सुझाव किसी पर होगी उस इस विसंगति को दूर कर कैसे किया जा सकता है बताइए। ये कर सकते हैं हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाए, डिजिटल का जमाना हो गया है, क्योंकि तो देखिए सिस्टम में कौन कैसा है हर एक पर प्रश्न नहीं लगाते हम, लेकिन सिस्टम में बहुत ही दीमक लगी हुई है, शिकायतें आती है इसमें हमारे पास कि फला कॉलेज के फला रूम में नकल हो रही है, और कैसे मैनेज करते होंगे उस सिस्टम को, वो बंद कर लेते होंगे तब तक के लिए क्या करते हैं, क्या हम हर कॉलेज के कंट्रोल रूम विश्वविद्यालय तो बनाए, हर कॉलेज वहां से कनेक्ट हो, हर रूम हो, मान लीजिए आए शिकायत बीसी साहब के पास या रजिस्ट्रार साहब के पास कि कॉलेज एक्स में रूम नंबर 8 नगर हुई है, वो वहीं से देख लें अपने कंट्रोल रूम में कॉलेज एक्स रूम नंबर 8 तो देखिए क्या हो रहा है, झूठी शिकायत है या वास्तव में हो रहा है। झूठी शिकायत अभी आती है हवा खाए भागदौड़ बन जाती है पूरे फ्लैंक शिकायत की, तो उसमें से फॉरन प्रिंसिपल से पूछा जाए उसका संचालक जो भी हो ये मैं देख रहा हूँ इसमें आप क्या क्या हो रहा है, विवाद होना चाहिए, वो सिस्टम क्या डेवलप हो सकता है। कंट्रोल सिस्टम वाला और एक कंट्रोल रूम बनाने का भी होना चाहिए, दोनों सिस्टम अगर वो डेवलप हो जाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कैसे होगा, मैं अलग चर्चा कर लेंगे। मैं इस पास इतना असर सर से आपकी अनुमति हो सकती प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हाईलाइट करता है, हम ये कहकर संतुष्ट नहीं होंगे कि जिले में इतना हुआ है, वही बताया जाएगा आदमी ने कुत्ते को काटने जरूर के लिए समाचार है, कुत्ते ने आदमी को काटने समाचार नहीं, तो हमको क्या करना है। और देखिए उन्होंने जो सुझाव दिया है तो अगर न्यूज़लेटर्स की भी जिम्मेदारी तय हो जाए तो ये खत्म हो जाएगी समस्या का समापन चाहिए, ये नहीं कितनी है तो कोई बात नहीं चलेगा। ये गंभीर है, आपको एक दो जगह का